आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। स्वामी जी लगुच शिरीडी पाखे पहुंची गले शिरीडी एठ गोटे कोश दूर किंतु स्वामी जी जे पर्यंत मनरे श्रद्धा और विश्वास नथिबो से पर्यंत शिरीडी पहुंचले भी साई बाबा का दर्शन मिलिबनी। तात्या तात्या ए माने पानी रे समाधि ने ओछंती चलो आमे भी देखिबा चलो 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 पानी भितरे समाधि जेते बेले आमे प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन मालिक को स्मरण करू सेते बेले आमे निज भितरे एकाग्र हो जाऊ कौनसी मोह कौनसी माया आम को विचलित करे ना आमे मालिकों का भक्ति रे लीन हो जाऊ। मालिक सहित एक रूप हो जाऊ से अवस्था समाधि है थाए। धाम धन धाम गुण धाम जस धाम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तते प्रणाम साई बाबा तते प्रणाम साई बाबा तते प्रणाम। अरे पुओ सेवन को शीघ्र पानी बाहर कर। स्वामी जी एबे तो से पिला समाधि को चली जाई चंदी जेते बेले समाधि शेष होई जीव तो आपे आपे बाहर को चली आसीबे। समाधि रो अर्थ जानिछु तो विकार रो वशवर्ती हेइथिबा मन जेते बेले सद्गुरु को कृपा और आशीर्वाद रु निर्विकार होई जाए अविवेक वैराग्य जोगु विरक्त हेइथाय सेते बेले मनुष्य को सबु आड़े सबु जागारे समस्तंक भितरे मालिकंक दर्शन हुए एहा ही तो समाधि। समाधि नवा पाई जोगो साधना रो आवश्यकता है थाए पुओ आउ जदि तू एई भली दर्शक हे छिड़ा हेथिबु ताहेले पानी तळे सब पिला मरी जिबे। स्वामी जी आमे केवल गोटिए साधना करू आउ सेईटा हला भक्ति साधना आमे साई बाबा को भक्ति करू जोटा जे कोनोसी साधना छ श्रेष्ठ साई कथा अनंत साई नाम अमूल जन्म सफल हेई जीव साई साई बोल सुख
धाम धन धाम एते देरी पर्यंत समाधि स्वामी जी त डरि जाइथिले डर काहे कि तातिया पानी भितरे त साई बाबा बसथिले ओ भक्त वत्सल आउ साई बाबा सांगर थिले डरिबो काहे कि बाबा तते प्रणाम प्रणाम बाबा बाबा तते प्रणाम साई बाबा देखिलो त स्वामी जी पिला भी समाधि नहीं पारिबे तमे तमे एठी भी तमे सात सात दिन धरी माटी तले समाधि नौच पिला माने तो किछि मुहूर्त पाई पानी तले समाधि नेले तमे केबे माटी तले मालिकों को दर्शन करिछो नुहे ना मालिकंकु दर्शन करिबा आउ मालिकंकु स्मरण करिबा एहा ही तो मनीष जीवनर लक्ष्य हेथाए महालसापति मनीष मालिकंकु खोजिबारे राती दिन लगै दिए आकाशरे पानीरे पृथ्वीरे सबु जागारे सबु दिगरे से मालिकंकु खोजे दुआर दुआर बुली खोजी थाए किंतु मणिषकु मालिक कोठी देखा जानती नाही मणिषकु ज्ञानी आ विद्वान को घरे देखिबा उचित देव जोठी विद्वानता अछि ज्ञान अछि सेठी भगवान निश्चय थांती श्यामा एटा नुहे जे मणिष विद्वान आ ज्ञानी को घरे खोजे ना से जाए किंतु ताकू सेठी भगवान नुहंती बरं विद्वान आ ज्ञानी को अहंकार रो दर्शन हुए हरे मालिक तो अभिमान शून्य अहंकार शून्य तेणु जोठी अहंकार अछि सेठी मालिक को निवास केमिति हबो मणिष को भक्तों घर को जीवा उचित सेठी ताको मालिकों को दर्शन निश्चय हो मणिष भक्तों घर को भी गला पुजारी घर को भी गला सेठी से देखिला चुक्ति तर्क चली प्रत्येक लोक मालिकों अलग अलग साकार रूपर भक्त थिले प्रत्येक लोक कहुतिले जे सी जो रूप को भक्ति करचंती से ही मालिकों रूप से ही मालिक भक्त माने मालिकों को बांटी नहीं चंती अरे मालिक तो निर्विकार हाउ तांको भक्त विकार र बसवर्ती हेई जाई चंती सबका मालिक ए सदु कौन है तोरा सब ठीक अच्छी तो इमा सदु अरे भाईजननी काहे के आसी गला काहे की रे तोर तात्या पाखरे कोन काम अछि तात्या साधु गोटे मदुआ ता सहित तू किछि संपर्क रखिबनी कि ताकु किछि पैसा दबुनी बुझिलु द्वारिकानाथ महाशय नानी तो तात्या सामना रे लक्ष्मण रेखा टाणी देला एबे तात्या लक्ष्मण रेखा पार करि पारिबो त माई देला जे लक्ष्मण लेखा तो लाबन पाल कोली थिला अरे चुप कर नहले मु तते मारी मारी कुंभकर्ण कर देबी सोई थिबु खाली साई बाबा कहि चंदी जे तम द्वार को जिया आसीबो तमे ता सहित खराब व्यवहार करिवनी आ तमे ठीक अछि मोर तो मो लक्ष्य पुआ भाई काईबा दरकार भाई जा भाई काईबा काईबा तात्या ये बो केला छी हां
काहे की मद पिउछु रे किछ बुद्धि सुधि अछि कि नै तोर एई नै एथिरे पूरा खाद्य अछि तम तीनि जण पई जाउछि जाउछि म काहे ल मिलि गला तातिया तो लक्ष्मण रेखा पार कर देला एबे ई सहानुभूति तातिया आउ से ठक साई पाए कष्ट हे जीवो केमतिया कष्ट अरे एमितिका कष्ट एमितिका कष्ट मूर्ख को ठिकार अरे नाना नानी केवल तमे दि जण आसी छ मो मैना मा कहि मैना मा सासु घर अछि साई बाबा मैना मा बाप घर को माने जामनगर आसीबो नानी मैना रो सासु मैना को बहुत भलो पाउछन्ते साई बाबा हाँ जानी छी बहुत भलो पाउछि सिया मो मैना मा को ए सब आपन को कृपा साई बाबा आमे फेरी जाउछु आ मैना को ता सासु घर नै जामनेर चली जिबो बेसी अस्थिर हो ना नाना मा मैना जामनगर आसीबो तमर सेठी की जीवा किछि दरकार नाही आपनकर आशीर्वाद सब बेले मा मैना संगरे रही थौ बाबा नाना ए विभूति ही मोर आशीर्वाद याकु सबु बेले निज पाखरे रखिबो ए विभूति संसार चक्रर सबु असुविधा कु सहज करि देबो आउ सबु विपदरु बंचेइबो बाबा आमे आपनक पाखरे प्रार्थना करबा को आसिछु जे मैनामार प्रसव सहज हो जा बहु मनरे किछि कटुता न रखी जा तो बाप घर को जाई आराम करिबो आउ तो पिला को जन्म दबो आपण आमुक तो किछि कहिलेनी भौणी मु केबे मिछ कहना आमे तो आपण कोठ सत सुनिबा को चाहु छु आचार्य महाशय आपण एटा कहंतु मो बहुरा पुओ हबो ना पुओ ही हबो किंतु पुओ को जन्म दबा परे तम बहुर मृत्यु हे जीव मु तते अपेक्षा करि रहिली जो भली तू बळद गाडी रे घर जाउछु ठीक सेई भली बळद गाडी रे भलरे घरे ओल्हेइबु तोरे हातरे मोर गोटे गुल्लुगुलिया नातीटे थिबो तू फेरी आसिबु बहु मु तते अपेक्षा करिकि थिबि तू फेरी आसिबु तू जल्दी फेरी आसिबु बहु को रक्षा करिबो भगवान मो बहु को रक्षा करिबो मो बहु को रक्षा करिबो राजा जेते बेले भिकारी हेई जाय तो बुझी नबा उचित जे मालिकंकर कृपा नाही आउ जेते बेले भिकारी राजा हेई जाय तो बुझी नबा उचित जे मालिकंकर कृपा अछि निजकु शक्तिशाली भावुथिबा मणिष जेतेबेले सबु जागारे धोका खाई खाई बेसहारा आउ असहाय हेइ जाय तो बुझि जिबा उचित जे मालिक ता संगरे न्याय करिछंती आउ जेतेबेले सेई मणिष अन्य मानक पाई मालिकंकु प्रार्थना करे
ତ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ତାକୁ ମାଲିକଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁତାର ତାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛି। ଏହା ହିଁ ମାଲିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଠୋକର ମାରି ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦିଏ ତ ମାଲିକ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସତର୍କ କରନ୍ତି, ନ ମାନିଲେ ତା ଉପରେ ମାଲିକଙ୍କ ଲାଠି ପ୍ରହାର ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ ତା ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ କିଏ ଆସେ? ମାଲିକ। ମାଲିକ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଲୁହ ବୁହାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ ତମେ କରିଛ ତା ଫଳ ତ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଏବେଠୁ ଭଲ କର୍ମ କର ଆଉ ମାଲିକଙ୍କ କୃପାର ଭାଗିଦାର ହେଇଯାଅ, ତମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ଓମ ଜୟ ସାଇନାଥ, ଜୟ ସାଇନାଥ, ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୁମର, ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଣାମ ଆମର। ଓମ ଜୟ ସାଇନାଥ, ଜୟ ସାଇନାଥ, ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୁମର, ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଣାମ ଆମର। ଧରଣୀ ପରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ତନୁ ଆକାଶ ଯାଏ ବିସ୍ତାର। ଓମ ଜୟ ସାଇନାଥ, ଜୟ ସାଇନାଥ, ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୁମର, ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଣାମ ଆମର। ଯେବେଠୁ ତମ ଭାଉଜ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଯେ ସିଏ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଏ ଘରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଳତି ଟିକେ ବେଶୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବ, ଏବେ ଭାଉଜ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ସାଇବାବାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ। ଭାଉଜ ମୁଁ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନାରେ ଏତେ ମଜିଯାଏ ଯେ ତାରି ପାଇଁ ସିଏ ଶୁଭକାମନା କରେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଅଶୁଭ ହିଁ କରିବ। ତମେ ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ନଉନ ଶଙ୍କର? ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଇବାବା ମୋତେ ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଭୁଲ ବାଟ ନେଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ତମକୁ ସେ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଶଙ୍କର, ନିଅ କୃପା ପ୍ରସାଦ ନିଅ। ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ତୁ ଠିକ ହେଇଯିବୁ। ଭାଇ, ଯେବେଠୁ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି ନା, ସେବେଠୁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ ତ କହୁଥିଲେ କି ତୋ ପେଟକୁ ବିଷ ଯାଇଛି। କଣ ତମେ ବି ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ବି ଏବେ ତମେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାର ଯେ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଭାଉଜ ମୁଁ ଔଷଧ ନିଜେ ଖାଇନେବି। ଆରେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ଚାଲ ଔଷଧ ଖାଅ। ହଁ, ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବନି ତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ କେମିତି ହବ? ବେପାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଚାଲ ଚାଲ ମୁହଁ ଖୋଲ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଯିଏ ତମ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମକୁ ବିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ତମେ ନିଜ ଆପଣାର ଭାବୁଛ? ଯୋଉ ସାପ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛ?
जोगेश्वर महाराजंकर हट जोगी जोगेश्वर महाराजंकर हट जोगी जोगेश्वर महाराजंकर हट जोगी जोगेश्वर महाराजंकर।